हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो हम स्टाइक्योमेट्री में आज हम बात करेंगे स्टाइक्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मिक्सचर। थोड़ा सावधान हो जाएं इसमें कई बार बच्चों को दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है, इसलिए नहीं कि ये मुश्किल है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता। ये दिक्कत इसलिए भी आती है, कई बार बच्चे ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन हो जाए। तो हर क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व नहीं होता अनलेस यू हैव द लॉजिकल थिंकिंग अबाउट इट। तो हेडिंग लिखो, नोट करो, स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स ऑफ मिक्सचर्स। स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स ऑफ मिक्सचर्स की अगर बात करते हैं तो मिक्सचर में हमें प्रॉब्लम तो बाद में सॉल्व करेंगे, कुछ हमें पॉइंट्स की जरूरत है। तो एज ए नोट करके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स वी आर गोइंग टू राइट। जैसे हमें ये कुछ रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए। वैसे तो केमिकल रिएक्शंस हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे 12th क्लास में इन बी ब्लॉक, इन एस ब्लॉक, इन डी ब्लॉक, बट जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी तो 11th क्लास का पहला ही चैप्टर है, वर्चुअली पहला चैप्टर है, कई बार सेकेंड चैप्टर भी बोलते हैं। कई बार बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला चैप्टर पढ़ते हैं, मोल कॉन्सेप्ट दूसरा पढ़ते हैं, तो कई बार मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर पढ़ते हैं, एटॉमिक दूसरा पढ़ते हैं। तो हम तो ये मान कर रहे हैं कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ 11th क्लास, तो स्टूडेंट्स को कुछ केमिकल रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए। तो जैसे मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर सपोज टू रिमेंबर दैम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे पॉइंट वाइज लिखें तो जैसे अल्कली मेटल्स होती हैं, सब समझते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं कौन सी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। इनके कुछ पर्टिकुलर कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे और हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे, कई बार क्वेश्चन में काम आएगा। तो लिखेंगे कि एक्सेप्ट Li2CO3 All alkali metal carbonates are thermally stable and do not decompose on heating. तो बच्चों एक्सेप्ट Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट को छोड़ करके बाकी अल्कली मेटल के कार्बोनेट जो हैं वो थर्मली स्टेबल हैं, हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते। मतलब कहने का ये है कि Li2CO3 अगर डिकम्पोज हो जाएगा, इसका रीजन भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, डायगनल रिलेशनशिप होता है, लिथियम शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ मैग्नीशियम। जो बिहेवियर मैग्नीशियम के कंपाउंड्स का है लगभग वैसा सा ही बिहेवियर लिथियम के कंपाउंड्स का भी है। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होने पर CO2 गैस देता है, लिथियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज होने पर मेटल ऑक्साइड दे देगा सॉलिड में, और कौन सी गैस, CO2 गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। सो लाइक दैट यू से, थोड़ा नीचे चलेंगे, बट बाकी M2CO3, अच्छा M2CO3 क्यों, फॉर्मूला M2CO3 क्यों, एल्कली मेटल की वैलेंसी 1 होती है और कार्बोनेट आयन की वैलेंसी 2 होती है, जहां पर एल्न कौन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको आप थर्मली हीट करो, नो डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन में नो डिकम्पोजिशन, हाँ लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में डिकम्पोजिशन होगा, माइनर अमाउंट ऑफ द CO2 मे कम आउट, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में वी विल अज्यूम दैट सोडियम पोटेशियम के जो कार्बोनेट हैं थर्मली स्टेबल हैं, डिकम्पोज नहीं होते, कोई CO2 गैस इवॉल्व नहीं होगी। हालांकि ये सब फजान्स रूल में हम पढ़ते भी हैं, पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, अभी तो इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। नाउ दिस इज सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में जैसे अल्कली मेटल के अल्कलाइन अर्थ मेटल के बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज हो जाते हैं, तो कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड लिबरेट CO2 गैस। जैसे बात करेंगे, मान लो
MCO3 हीट किया तो MO सॉलिड प्लस CO2 गैस, वेयर M इज ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स विच इंक्लूड्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, इवन बेरियम भी। हालांकि बेरियम कार्बोनेट काफी स्टेबल होता है थर्मली, बहुत ज्यादा हीट करने पर डिकम्पोज होता है, बट फिर भी मानेंगे। बात आती है अब बाइकार्बोनेट्स की, तो अच्छा बाइकार्बोनेट्स में ऑल बाइकार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बोनेट, बट सॉलिड स्टेट में जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो केवल कुछ सर्टेन चुनिंदा मतलब कुछ पर्टिकुलर चुने हुए बाइकार्बोनेट ही सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बाकी सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, दे कैन एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन फेज। तो लिखो पहले फॉलोइंग बाइकार्बोनेट्स ओनली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड फॉर्म में केवल ये एग्जिस्ट करते हैं, कौन से हैं ये, लेट अस सी कौन से हैं ये। तो फॉलोइंग बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, जैसे कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट, सीजियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और साथ में ये भी लिखो बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग लिबरेट CO2 गैस, जैसे मान लो NaHCO3 है, हालांकि NaHCO3 को पानी में डुबो दोगे तो घुल जाएगा, सॉल्यूशन बना लेगा, बट सॉलिड स्टेट में अगर हीट करेंगे तो बनाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O की वेपर्स। अच्छा H2O की वेपर्स क्यों सर, लिक्विड क्यों ना बना, H2O तो पानी है। अरे टेम्परेचर इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, सो दिस टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस, सो ऑब्वियसली H2O विल बी ऑब्टेन इन द वेपर फॉर्म, एंड साथ ही साथ कौन, CO2 इज इवॉल्व्ड आउट। बट यही अगर मान लो, सुनो ध्यान से, यही अगर मान लो NaHCO3 एक्वस सॉल्यूशन में डिकम्पोज करते तो फिर सोडियम कार्बोनेट मिलता एक्वस फॉर्म में, सॉल्युबल इन वाटर है, H2O लिक्विड में मिलता और गैस कौन सी इवॉल्व होती, CO2 गैस। ध्यान रखना दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स को कई बार समझ में नहीं आता डिफरेंस कि H2O गैस कब निकली और लिक्विड कब बना, ये तो सॉल्यूशन फेज है, सॉल्यूशन में हीट कर रहे हैं तो CO2 गैस बाहर आएगी और बाकी जो H2O बना है वो तो पानी में मिल जाएगा ना सॉल्यूशन के, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू। नॉट ओनली दैट, जैसे और कैल्शियम बाइकार्बोनेट आप हीट करो तो यू विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी, ये व्हाइट पीपीटी बन जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्लस H2O विल बी इन लिक्विड फॉर्म एंड CO2 विल बी बॉइल्ड आउट, सो लाइक दैट यू से। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ द बाइकार्बोनेट। देखो हमने क्या क्या बातें कह दी अब तक, स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स ऑफ मिक्सचर में ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे, एल्कली मेटलिक कार्बोनेट्स में केवल लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज होता है, बाकी हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होते, कोई CO2 गैस नहीं आती। अच्छा कार्बोनेट जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैं वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं, बाइकार्बोनेट सब डिकम्पोज होते हैं हीट करने पर, सॉलिड स्टेट में केवल ये फॉलोइंग ही डिकम्पोज एग्जिस्ट करते हैं, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। अमोनियम जैसे ये है अमोनियम बाइकार्बोनेट, इसको हीट करो तो यहां तो गैसे ही गैसेस मिलेंगी, जैसे अमोनिया गैस विल बी इवॉल्व आउट प्लस H2O वेपर्स विल बी इवॉल्व आउट प्लस CO2 गैस विल बी इवॉल्व आउट, so like that you will get the products। तो बच्चे इन बच्चों इन बातों का ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। साथ में ये कौन सा पॉइंट था, ये शायद तीसरा पॉइंट लिखा था, फोर्थ, नाइट्रेट्स में जैसे MnO3 है, M अगर मान लो पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम है तो ध्यान दो हीट करने पर दे विल कन्वर्ट टू MnO2 सॉलिड और केवल गैस मिलेगी कौन सी, O2 गैस। हालांकि बैलेंसिंग में कर नहीं रहा, यहां पर बैलेंसिंग करनी जरूरत पड़ेगी तो यू कैन अकॉर्डिंगली डू,
ये सब मैं अनबैलेंस लिख रहा हूँ, मैं बैलेंसिंग की कोशिश ही नहीं कर रहा। आप जब बैलेंसिंग करोगे तो अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो मेटल का नाइट्राइड मिला सॉलिड स्टेट में, जैसे एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नहीं पोटेशियम लो फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम नाइट्रेट है, आप इसे हीट करो तो पोटेशियम नाइट्राइड मिलेगा प्लस O2 गैस विल बी बॉइल्ड आउट। बट ध्यान दो, बट सावधान, इनमें बड़ा केयरफुल रहना है। IIT एडवांस ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसके ऊपर। जैसे आप सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट का बिहेवियर थोड़ा अलग टाइप का होता है, अलग अलग टेम्परेचर पर 500 डिग्री सेल्सियस पर वंस यू हीट इट गिव्स सोडियम नाइट्राइट एंड द गैस लिबरेटेड इज ओनली वन गैस O2। बट वेन यू हीट इट एट अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस, ये हीटिंग का साइन है, तो फिर ये देता है सोडियम ऑक्साइड सॉलिड एंड गैसेज के रूप में यू गेट N2 एज वेल एज O2, दो गैसेज मिलती हैं N2 एंड O2। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज IIT एडवांस में ये पूछा हुआ है, दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन IIT एडवांस्ड। बट यहीं पे जैसे लिथियम नाइट्रेट है, ये बड़ी आसानी से हीट डिकम्पोज होता है, और लिथियम का बिहेवियर तो ऐसा है जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स का होता है, तो इट फॉर्म्स Li2O सॉलिड प्लस NO2 प्लस O2 गैस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और यहीं पे बात आती है कि अगर MnO3 ट्वाइस है सॉलिड, सॉलिड इसको हीट करो तो यू गेट MO सॉलिड मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस विल बी वॉल्ड आउट, जिसमें M कौन, M तो एक जनरल सिंबल है, M एक जनरल सिंबल है, जैसे जैसे मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम लेड कॉपर एटसेट्रा। जैसे कॉपर नाइट्रेट है CONO3 ट्वाइस, कॉपर की वैलेंसी 2 है, क्यूब्रिक नाइट्रेट ही बोलते हैं इसको, हीट करोगे सॉलिड है ये, सॉलिड सॉलिड कर लो इसको। तो मैं दोबारा लिख देता हूं CONO3 ट्वाइस सॉलिड, तो क्या होगा कॉपर ऑक्साइड सॉलिड मिल गया, साथ ही साथ NO2 गैस एंड O2 गैस विल बी बॉइल्ड आउट, सो लाइक दैट यू गेट। सिमिलरली मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉलिड आप हीट करो। अच्छा मैग्नीशियम नाइट्रेट का ऐसा फॉर्मूला क्यों है ये तो समझते होंगे आप, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी 2 होती है और नाइट्रेट आयन की वैलेंसी 1 है, तो हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, बैलेंसिंग खुद कर ले, ये सब अनबैलेंस्ड है एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। तो बच्चों इस तरीके से आप ये बात कहते हो। इसके अलावा और भी कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, सम अदर हीटिंग इफेक्ट्स, हालांकि इतने हीटिंग इफेक्ट से काम चल जाता है, जैसे मान लो सिल्वर ऑक्साइड है सॉलिड, ये काफी अनस्टेबल होता है हीट करने पर, इट गिव्स सिल्वर मेटल एंड O2 इज लिबरेटेड आउट, बैलेंसिंग खुद करेंगे, और मरकरी का ऑक्साइड में हीट करेंगे तो मरकरी मिलता है, मरकरी तो वैसे ही रूम कंडीशन पर लिक्विड है तो लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा एंड O2 विल बी बॉइल्ड आउट। तो एक तरीके से ये दोनों मेटल ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल होते हैं, थर्मली का मतलब हीट करने पर, थर्मली अनस्टेबल होते हैं अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से ये चीज ली जाती है। अब बात आती है क्वेश्चन सॉल्व करने पे। मान लो इस तरह का क्वेश्चन ले ले, कोई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ले लो कि एक मिक्सचर है 100 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड मान लो कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 5.6 लीटर ऑफ CO2 गैस अंडर STP, फाइंड परसेंटेज बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन
ओरिजिनल मिक्सचर ये है। अब क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4 लीटर पर मोल। वैसे तो एग्जैक्टली नई डेफिनेशन जो है एसटीपी की उसके हिसाब से 22.7 होता है, बट क्वेश्चन ने 22.4 भी लिया है। मैंने कहा भी है क्वेश्चन में, काफी क्वेश्चंस में अभी भी पुराने क्वेश्चन चल रहे हैं, 22.4 भी लेते हैं चलेगा। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये मेरा सॉल्व करने का तरीका है। ये टोटल 100 ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम में यही तो ना पता कौन कौन कितना है। मान लो ये x ग्राम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना हो गया, सोडियम कार्बोनेट कितना हो गया 100 माइनस x ग्राम। अब ध्यान दो बच्चों को, अगर ये बात ना पता हो ना कि हीट करने पर केवल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा, अगर ये बात ध्यान ना आई तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान दो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट ही डिकम्पोज होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। अभी x ग्राम है, मोलर मास 100 होता है, जरूरत पड़ने पर एक काम कर लो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 लिख लो, पता होता है वैसे ये। तो x अपॉन 100 मोल हो गए, CO2 भी कितना प्राप्त होगा, x अपॉन 100 मोल। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉल्यूम 5.6 लीटर अपॉन 22.4 से डिवाइड कर दो, आ गए मोल। करिए सॉल्व जरा, देखो यहां ये चार बार कैंसिल आउट हो गया, 5×20, 6×24, 4 बार x के, तो यहां से x की वैल्यू जो आ गई, व्हाट इज x, x की वैल्यू कितनी आ गई 25 ग्राम। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ CaCO3 बाय मास कितना आ गया, 25 ग्राम अपॉन सैंपल का मास कितना टोटल, 100 × 100, आंसर इज 25%, दैट्स इट, दिस इज द आंसर, यही आंसर है। Let's take another question. मान लो एक और सवाल चलो सॉल्व करते हैं। मान लो मिक्सचर के प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन ऐसे कह दिया जाए कि यू हैव, मैं सिंबॉलिक क्वेश्चन कह रहा हूँ, जैसे CH4 मीथेन एंड C2H4 एथिलीन, देर इज अ मिक्सचर ऑफ 5 ग्राम, 5 ग्राम मिक्सचर ऑफ द मीथेन एंड एथिलीन इज देयर, और ऑन हीटिंग दिस 5 ग्राम मिक्सचर विद द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन O2, वॉल्यूम ऑफ या मास ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड इज 44/3 ग्राम, फाइंड परसेंटेज बाई मास ऑफ CH4। मान लो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो बच्चों CH4 और एथिलीन जो है टोटल 5 ग्राम लिया, अब हमें यही तो नहीं पता कौन कौन कितने ग्राम है, और मीथेन का मास मालूम पड़ जाए तो बस परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो मान लो अगर ये x ग्राम है तो फिर एथिलीन कितना होगा, 5 माइनस x ग्राम, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगी, कैसे, जरा कंबस्शन कराओ, CH4 का कंबस्शन कराओगे तो क्या मिलेगा ना, CO2 प्लस 2H2, दो और दो चार, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो बैलेंस्ड, C2H4 का भी कंबस्शन कराओगे O2 से तो यू विल गेट 2CO2, बैलेंसिंग करो प्लस 2H2O, दो दुनी चार और दो दुनी चार और दो छः, 3 हो गई बैलेंसिंग। अब ये x ग्राम है तो x अपॉन 16 मोल, ये 5 माइनस x अपॉन 12 दुनी 24 और 4 28, 12 दुनी 24 और 4 28, 28 से डिवाइड करो तो क्या बन गए मोल। ध्यान से देखो स्टाइकियोमेट्री से, एक मोल मीथेन से एक मोल CO2 मिलता है, तो x अपॉन 16 से x अपॉन 16 मोल ही मिलेगा। 5 माइनस x अपॉन 28 मोल, एक मोल से दो मोल CO2 मिलते हैं, तो 5 माइनस x से 2/1 इंटू 5 माइनस x अपॉन 28 मोल, ये मोल मिलेंगे,
पढ़ चुके हैं सब, यही तो स्टाइकियोमेट्री है। देखना CO2 मोल्स कितने मिले, टोटल मोल्स CO2 के जो ऑब्टेन हुए कितने हुए, x बटा 16 मोल प्लस 5 माइनस x अपॉन, ये दो से काट दो 28 को 14, इतने मोल, इतने मोल इनटू मोलर मास 44 ग्राम, दिस इज द टोटल मास ऑब्टेन एंड टोटल मास ये तो चलो मोल ही था। अब चलो मास की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो x अपॉन 16 प्लस 5 माइनस x अपॉन 14 इनटू 44, ये मास हुआ एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ मच रहा देखना, हाँ 44 बटा 3 ग्राम, 44 अपॉन 3 ग्राम दिस इज ऑब्टेन, 44 से 44 कैंसिल, जरा देखना ये क्या वैल्यू हो गई, 3x अपॉन 16 प्लस 5 दिया 15 माइनस 3x अपॉन 14 इज इक्वल टू कितना 1। अब जरा सॉल्व करो, कर लेना यार, 16 इंटू 14, चलो मैं बता देता हूँ, 14 दिया 42 एक्स प्लस 14 16 गुणा 15, 15 गुणा 16 माइनस 16 की 48 x इज इक्वल टू 1, तो देखना क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 48 42 और 48 तो माइनस 6 x प्लस 16 160 और 16 बन गया 80, 160 और 80 240 इज इक्वल टू 16 इंटू 14, 160 प्लस 16 चौका 64, वो कैलकुलेशन के तरीके सबके अपने होते हैं, तो 6x इज इक्वल टू 240 माइनस 160 और 224 का मतलब ये हो गया 6 और 10 16, तो x की वैल्यू हो गई 16 बटा 6, तो कैलकुलेशन एक बार देखें ना भाई, 2 8 बटा 3 2 3 ग्राम, तो फिर परसेंटेज ऑफ बस निकाल दो, तो परसेंटेज ऑफ CH4 कितना हो गया, मास ऑफ CH4 x ही तो माना था 8/3 डिवाइडेड बाय सैंपल का मास 44 नहीं 5 ग्राम, 8 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 5 ग्राम इनटू 100 5 20, तो कितना हो गया ये 8 दूनी 16 160 बटा 3%, बस यही आंसर हो गया, आंसर की वैल्यू आ गई 3 5 15 16 1 33.3%, दैट्स इट बच्चे, यही आंसर है। कैलकुलेशन अपनी चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ हो तो आप खुद करेक्शन कर लेना भाई। तरीका फिर सुनो एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन ने ये कहा कि आपके पास एक ओरिजिनल सैंपल है 5 ग्राम जिसके अंदर मीथेन है और एथिलीन है, इनको कंबस्टन कराया, हीट किया विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो टोटल मास ऑफ द CO2 जो ऑब्टेन हुआ 44 अपॉन 3 ग्राम ऑब्टेन हुआ, तो दोनों रिएक्शन कराओ अलग अलग, उससे फिर CO2 चेक करो कितना बना, और टोटल CO2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अच्छा एक और सवाल लो, बड़ा बढ़िया सवाल, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सिंबॉलिक क्वेश्चन है, मान लो एक ऐसे कह दो मॉइस्ट क्ले विच हैज सिलिका इनर्ट इंप्योरिटीज प्लस मॉइस्चर, इसको हीट किया, ड्राई क्ले रिलेटिवली ड्राई क्ले इज ऑब्टेन, नॉट कंप्लीटली ड्राई क्ले, ड्राई क्ले इज ऑब्टेन जिसमें सिलिका भी है, इंप्योरिटीज भी हैं प्लस मॉइस्चर भी है, ठीक है, मान लो इनिशियली ये 40% था, 50% था और ये 10% था बाय मास, बाय मास ही होंगे ये जिस तरह की परसेंटेज मास पास हैं, अब फाइनल परसेंटेज, फाइनल मॉइस्चर परसेंटेज बाय मास इन ड्राई क्ले इज 6%, फाइंड परसेंट ऑफ, नहीं ये तो मॉइस्चर है, ये तो गिवन है, मॉइस्चर परसेंट बाय मास इन द ड्राई क्ले 6%, फाइंड परसेंटेज बाय मास ऑफ सिलिका इन ड्राई क्ले,
जरा लिखियो सवाल तो पहले, लिखो क्वेश्चन, लिखो पहले मेरे साथ साथ लिखा करो। क्वेश्चन कह रहा है कि मॉइस्ट क्ले है जिसमें सिलिका है, इनर्ट इम्प्योरिटीज हैं, INERT इनर्ट इम्प्योरिटीज है ये, प्लस मॉइस्चर है 40% बाय मास, 50% बाय मास एंड 10% मॉइस्चर था। थोड़ा सा हीट कर दिया तो पता चला कुछ मॉइस्चर उड़ गई उसमें, किले को छोड़ के भाग गई, वेपर्स बना करके वाटर वेपर्स के रूप में उड़ गई, तो ऑब्वियसली मॉइस्चर की परसेंटेज घटेगी और घट के क्वेश्चन ने कितनी दी है 6% बाय मास, तो बताओ सिलिका की परसेंटेज क्या होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कैसे आसान क्वेश्चन है देखो, ये जो मॉइस्ट क्ले है जिसके अंदर सिलिका है, इंप्योरिटीज हैं और मॉइस्चर है, दिस इज 40% बाय मास, 50% बाय मास एंड दिस इज 10% बाय मास। आपने हीट किया, ड्राई क्ले मिल गया जिसमें सिलिका प्लस इंप्योरिटीज प्लस मॉइस्चर, और मॉइस्चर की परसेंटेज 6% है। अगर मान लो सिलिका x परसेंट है तो ऑब्वियसली इंप्योरिटीज कितनी हो गई, 100 माइनस x माइनस 6% मतलब 94 माइनस x परसेंट। अब एक बात सुनो, क्वेश्चन सुनो 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 भैया सुनो, शुरुआत में सिलिका थी, इंप्योरिटीज थी और इंप्योरिटीज भी इनर्ट हैं और मॉइस्चर थी। आपने हीट किया तो केवल क्या छोड़ के भागा उस सैंपल को, जो भी आपने मॉइस्ट क्ले का सैंपल लिया था, मॉइस्ट क्ले का मतलब मॉइस्चर है उसमें, तो हीट करने पर क्या छोड़ के भागा, मॉइस्चर छोड़ के भागा। सिलिका का मास और इंप्योरिटीज जो थी उनका मास तो सेम ही रहेगा, बट हाँ चूंकि परसेंटेज चेंज हो जाएंगी, बट रेशियो ऑफ द परसेंटेज वुड रिमेन सेम। जो परसेंट भाई मास का रेशियो जो होगा वही उनके परसेंटेज का रेशियो भी होगा, तो जो परसेंटेज का रेशियो पहले था वही परसेंटेज का रेशियो अब भी होगा, यही लॉजिक है। तो लॉजिक ऑफ क्वेश्चन क्या है, मास रेशियो ऑफ सिलिका एंड इंप्योरिटीज बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग मस्ट बी सेम, दोनों सेम होनी चाहिए, यही तो इसमें मेन लॉजिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिलिका और इंप्योरिटीज के मासेस तो कांस्टेंट ही हैं, उनका रेशियो वुड हैव बीन कांस्टेंट, 40% था इनिशियली, फिर 50% 40% सिलिका, 50% इंप्योरिटीज, अब x परसेंट है और ये है 94 माइनस x। नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, 4 5 तो 5x इज इक्वल टू 4 6 16, 9 6 36 37 माइनस 4x, 9x इज इक्वल टू 376, x की वैल्यू 9 से डिवाइड करोगे तो 9 6 36 और कितना जाएगा, 9 36 37 1 9 1.7 9 72 नियरली 8%, दैट्स इट, यही आंसर। कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो 40/50 शुड बी इक्वल टू x अपॉन, अब 6% मॉइस्चर है तो 94 माइनस एक्स परसेंट शुड बी द इंप्योरिटीज, तो 94 माइनस एक्स, कैलकुलेशन चेक कर लो, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5x इज इक्वल टू 4 × 94 मतलब 4 6 16, 9 6 36 और 1 37 माइनस 4x, 9x इज इक्वल टू 376, x इज इक्वल टू 9 6 36 37 1 16 1, हाँ नियर, सो दिस इज द आंसर। तो बच्चा ये थे क्वेश्चंस, ये था कॉन्सेप्ट, मैंने बता दिया। स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में मिक्सचर के मैंने अलग अलग वैरायटी के 3-4 2-3 क्वेश्चन ले लिए, अकॉर्डिंगली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अच्छा एक और मेथड होता है स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उस पर भी आते हैं, फैक्टर लेवल मेथड, वो पर्टिकुलरली यूजफुल होता है इन सिक्वेंशियल रिएक्शन। तो लिखो फैक्टर लेबल मैथड, फैक्टर लेबल मेथड दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर सीक्वेंशियल और कंसेक्यूटिव रिएक्शंस।
सिक्वेंशियल या कंसेक्यूटिव रिएक्शंस में पर्टिकुलरली यूजफुल है कुछ ना, नाम ही बस बड़ा है। फैक्टर लेवल मेथड बड़ा फैंसी सा, अजीब सा, मतलब बड़ा सा नाम लगता है कुछ नहीं, ये यूनिटरी मेथड ही है। फैक्टर लेवल मेथड इज नथिंग बट यूनिटरी मेथड व्हेन अप्लाइड ऑन मल्टीपल रिएक्शंस। एक साथ कई रिएक्शंस पर अगर आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देते हो तो इट बिकम्स द फैक्टर लेवल मेथड। कुछ नहीं, जैसे मैं समझाता हूँ, मान लो एग्जाम्पल लो, कोई कहे कि 2a plus 3b converted to 4c plus d, 2c plus e converted to 3f, 2f plus y converted to 3z। मान लो ये कोई एक स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशंस हैं बैलेंस्ड, बैलेंस्ड इक्वेशन। अब मान लो ए कोई क्वेश्चन कह दे कि ए 1 kg दिया इनिशियली और जेड डिजायर्ड प्रोडक्ट है, हम इसकी मास फाइंड आउट करना चाहते हैं, डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये जेड इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट और हम जेड का मास फाइंड आउट करना है। फाइंड मास ऑफ जेड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड when 1 kg of A and excess of other reactants are taken। मान लो ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन ही है एक तरीके से, मैं जनरल इक्वेशन ले दी, ABCD कोई कोई कंपाउंड थोड़ी होते हैं, कुछ होंगे कुछ, ये तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ए को हमने 1 kg लिया, बी रिएक्टेंट है एक्सेस में लिया, कम नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दो, हमें जेड का मास फाइंड आउट करना है, ये एंड प्रोडक्ट है, डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितना हमें ऑब्टेन होगा, कितना मास, राइट। अब जरा ध्यान दो, सी कौन है, जरा सी को ध्यान से देखो, सी पहले स्टेप में बना है और दूसरे स्टेप में खर्च हुआ है, तो ये इंटरमीडिएट है। एफ सेकंड स्टेप में बना और अगले स्टेप में खर्च भी हो गया, तो ये इंटरमीडिएट है। तो एक तरीके से ये जो सी एंड एफ आर इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, C and F intermediate compounds हैं, ये ना शुरू में लिए गए और ना एंड में ऑब्टेन होंगे, किसी स्टेप में बने तो किसी अगले स्टेप में खर्च हो गए। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता भी है ये कि बताओ जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है C, ये कितना एंड में ऑब्टेन होगा, अरे लिया ही नहीं, ना लिया ना एंड में ऑब्टेन हुआ, जीरो ऑब्टेन होगा। तो व्हाट इज द मास ऑफ द सी और एफ दैट कैन बी ऑब्टेन एट द एंड, जीरो। हमने रिएक्टेंट लिए हैं, प्रोडक्ट मिले हैं, बीच में कुछ रिएक्टेंट बने थे, कुछ सब्सटेंस बने, बट वो अगले स्टेप में खर्च हो गए, तो उन्हें बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में हम इंटरमीडिएट के थ्रू ही मूव करते हैं। अब मान लो ये क्वेश्चन था, अब मान लो मुझे सॉल्व करना हो इस क्वेश्चन को एक ही स्टेप में, वैसे तो यूनिटरी मेथड से वैसे हो जाएगा, ये इंडिविजुअल स्टेप्स में, एक ही स्टेप में सॉल्व करना हो, सुनो अब बताओ, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, बताओ किसका मास, ए का मास, किसका मास, ए का मास, अपॉन मोलर मास ऑफ ए से डिवाइड कर दो, बताओ ये किसके मोल हो भाई, बताओ ये किसके मोल है भाई, किसके मोल है, मोल ऑफ ए, आ गए मोल ऑफ ए, राइट। अब देखो ए के मोल से इंटरमीडिएट के पास जाओ, क्योंकि इंटरमीडिएट के थ्रू ही आप एक स्टेप से अगले स्टेप में मूव करोगे। 2 mole से कितने मिले, 4 mole, तो into 4/2, बताओ ये किसके मोल हो गया, समझ लो ध्यान से, अब किसके मोल हो गई, मोल ऑफ सी, ये बना सी के मोल, स्टोइकोमेट्री अप्लाई कर दी, 2 mole से 4 mole, तो 4/2। अब इस वाले सी पे आ जाओ, सी से एफ, 2 mole से 3 mole मिले, जरूरत पड़े तो रिवाइंड करके दोबारा फिर देखो, 2 mole से 3 mole मतलब 3/2, बताओ ये किसके मोल हो गए, ये किसके मोल है, बोलो, मोल ऑफ एफ, मिले मोल ऑफ एफ। अब एफ पे आओ, 2 mole से 3 mole जेड, आ गई, यही तो चाहिए था, 3/2, अब बोलो किसके मोल आ गए, मोल ऑफ
जेड, नहीं हमें तो मास ऑफ जेड चाहिए, इनटू मोलर मास ऑफ जेड, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, दैट्स इट, मास ऑफ जेड ऑब्टेन्ड। तो मास ऑफ जेड हमने ऑब्टेन कर लिया, यही पर्पस था, इसे बोलते हैं फैक्टर लेवल मेथड, यूनिटरी मेथड ही है। So whenever unitary method is applied on multiple equations altogether in a single go, then we call it factor level method. I hope you have understood the point. मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। 1000 gram corn, mass of A, मोलर मास A से डिवाइड कर दिया, बोलो किसके मोल, A के मोल, ठीक है। इंटरमीडिएट पे आओ, दो मोल से चार मोल इंटू चार बटा दो, बताओ किसके मोल, C के मोल। दो मोल से तीन मोल इंटू तीन बटा दो, बोलो किसके मोल, F के मोल। दो मोल से तीन मोल जेड इंटू थ्री बाई टू, बोलो किसके मोल, जेड के मोल, इंटू मोलर मास ऑफ जेड, यू गॉट द मास ऑफ जेड, यही तो चाहिए था क्वेश्चन में, अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। थोड़ा नाम थोड़ा फैंसी है, फैक्टर लेवल मेथड, अदरवाइज देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इनटू इट, एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कैन बी सॉल्वड। मान लो कोई सिंपल सा क्वेश्चन हो, जैसे ये है, मान लो जैसे अमोनिया O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मिलता है मान लो NO प्लस H2O, बैलेंसिंग कर लो, तो मान लो जैसे यहाँ 2 ले लो तो 3 दुनी 6 तो 3, 3 O, और यहाँ 2 नाइट्रो ऑक्साइड ले लो और यहाँ हो गया 3 O और 2 5, तो 5 बटा 2, ठीक है। अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं तो NO बना, NO O2 से रिएक्शन करके NO2 बना लेता है, NO2 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो HNO3 बनता है प्लस NO इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पर तीन और एक चार ले लो, यहाँ मान लो दो है तो 2HNO3 या 3NO2, तीन दुनी छः और एक सात, तीन दुनी छः और एक सात, दैट्स इट, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। हालांकि बड़ा फेमस मेथड है, दिस इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ HNO3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में आएगा ये पी ब्लॉक के अंदर, 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये, पांच नंबर वाला सवाल, कि ओस्टवाल्ड मेथड का क्या मेथड है, क्या कैटलिस्ट है, किस तरीके से हम प्रोडक्शन करते हैं, तो वो सब तो ठीक है, अभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहे कि व्हाट मास ऑफ HNO3 कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 17 kg, मैं डेटा थोड़ा आसान ले रहा हूं, अमोनिया, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो क्वेश्चन को मैं एक बार रिएक्शन फिर दोबारा से लिख लेता हूं, ये नेक्स्ट पेज पे आया हूं, तो क्या रिएक्शन थी, अमोनिया O2 क्या बना था, NO प्लस H2O, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 2NO और यहाँ 3H2O, और बैलेंसिंग के लिए 3 और 2 5, तो 5/2, 2NO प्लस O2, 2NO2 एंड देन 3NO2 when dissolved in liquid water, HNO3 is produced. So 2HNO3 plus NO. Now reactions are balanced. Question क्या था? Question ये था कि 17 kg लिया है ये, 17 किलो अमोनिया। तो बताओ how much of HNO3 will be obtained? Factor level method. बहुत बढ़िया काम करता है, बच्चों को मजा भी आता है इसमें। मजा तो खैर जब आएगा, जब समझ में आती हूँ चीजें, और जब समझ में ना आता तो बच्चे ये कहते हैं एल के सर बहुत बेकार पढ़ाते हैं यार, समझ में तो आता ना है, दिमाग लगाओ भाई। तो फैक्टर लेवल मेथड अप्लाई करिए जरा, 17 किलो, किलो मतलब 10 की पावर 3, बोलो क्या, ग्राम, अपॉन 17 मोलर मास से डिवाइड कर दिया, बोलो क्या, मोल, किसके मोल, अमोनिया के मोल। अब इंटरमीडिएट पे आओ, ये है NO इंटरमीडिएट, ये NO2 भी इंटरमीडिएट है, तो दोनों इंटरमीडिएट है, तो दो मोल से दो मोल, बोलो किसके मोल आ गए, NO के, फिर दो मोल से दो मोल। आप चाहो तो मेरा मत देखो, रफ कॉपी में खुद सॉल्व करो, आ गए NO2 के मोल्स, अब NO2 से HNO3 पर आ जाओ, इनटू तीन मोल से दो मोल,
तो 2 by 3 आगे मोल्स ऑफ HNO3 into मोलर मास ऑफ HNO3 63, ये ग्राम में मास हुआ अपॉन 10 की पावर 3, ये kg हुआ, ये है मास ऑफ HNO3। बच्चों को इतना होशियार हो जाना चाहिए कि जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वैसे वैसे कैलकुलेशन कर ले। फिर सुन लो, 17 किलो मतलब 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ग्राम अपॉन 17 मोल्स ऑफ अमोनिया आ गए, 2 से 2 मोल 2 by 2, 2 से 2 मोल 2 by 2, 3 से 2 मोल 2 by 3 आ गए मोल्स ऑफ HNO3 into मोलर मास 63 डिवाइडेड बाय 1000 केजी आ गया। करियो सॉल्व, ये कैंसिल्ड 2 अपॉन 3 into 63, 3 दुनी 6 21 दुनी 42 केजी। दैट्स इट, यही आंसर है। अपना आंसर खुद फाइंड आउट करना, मेरी कैलकुलेशन मत लिया करो। एंड लाइक दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ये था फैक्टर लेवल मेथड फॉर सॉल्विंग द स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो बच्चों इस लेक्चर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, हमने क्वेश्चंस लिए, इलस्ट्रेट किया कि हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मिक्सचर्स, जिसमें खास प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो प्रैक्टिस दो बार तीन बार करें इन क्वेश्चंस को जो मैंने क्लास में लिए हैं, अभी यहां पर वीडियो में लिए हैं, और साथ में फैक्टर लेवल मेथड इज क्वाइट इजी। आज के लिए बस यही था, दैट्स इट फॉर नाउ।